अगले दिन की है। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त बेहद बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में दिन दिहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड में, जिस हत्याकांड में मोहित राणा और भोला की हत्या कर दी गई थी ताबड़तोड़ गोलियां अंबाला छावनी के डीएवी रिवरसाइड स्कूल के सामने बरसा दी गई थी, उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। बड़ी ही अच्छी तरह से आप सभी को यह हत्याकांड याद होगा क्योंकि पूरी तरह से अंबाला को दहलाने वाला यह हत्याकांड था। और अब इस मामले में CIA 2 के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। CIA 2 ने इस मामले में ये जो शूटर्स आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इन्हें सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अलग अलग जो हत्याकांड है उनमें ये शामिल थे, दिल्ली में स्पेशल टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था। और अब प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से इन्हें लाया गया और बताया ये भी जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स हैं ये और पूरी तरह से आपराधिक इनका बैकग्राउंड है। लेकिन अंबाला पुलिस की ये डबल मर्डर की जो गुत्थी थी वो सुलझाती हुई इस वक्त अंबाला पुलिस नजर आ रही है। और अब अन्य जो कार में सवार लोग थे जो इस हत्याकांड में इनके साथ शामिल थे, उनकी तलाश के लिए पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया है और तिहाड़ जेल से इन्हें लाया गया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो शूटर्स हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, CIA 2 ने गिरफ्तार किया है। और मोहित राणा हत्याकांड हुआ था जिसमें अंबाला पूरी तरह से दहल गया था, लगभग 20 से 30 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए थे, दिन दहाड़े गाड़ी को घेर कर उस पर गोलियां बरसा दी गई थी और मौके पर ही मोहित राणा की जान चली गई थी। और उसके अलावा भोला जो है उन्होंने PGI में दम तोड़ दिया था और उसी के बाद से लगातार टीमें इस मामले में छापेमारी कर रही थी, इन शूटर्स की तलाश कर रही थी। उसके साथ साथ गैंगस्टर मोनू राणा की भी इस मामले में पहले गिरफ्तारी की गई थी, उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है कि ये दो शूटर्स जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इनसे क्या कुछ खुलासे होते हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने पूरा खुलासा किया है कि आखिर दोनों गैंग्स में, दोनों गुटों में क्या कुछ विवाद था, किस वजह से ये गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, वो पूरी जानकारी अंबाला के SP ने दी है। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। सर, डबल मर्डर केस में गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जो मोहित राणा का डबल मर्डर केस यहाँ पे हमारे महेश नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था, उसके अंदर आज हमने दो मेन अक्यूज जो हैं, आकाश उर्फ गीता और साथ में मीता, अमित और मीता, इन दोनों को हमने प्रोडक्शन वारंट से तिहाड़ जेल से लेकर इनकी 3 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। ये दोनों आरोपी जो मेन फायरिंग इंसिडेंट था वहाँ पे मौके के ऊपर मौजूद थे और इसमें से जो फायरिंग थी वो भी उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व थे। अब इनकी हम 3 दिन की रिमांड कोर्ट से मंजूर हुई है और इनके इनसे गहनता से हम पूछताछ करेंगे और जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे आपको बताए जाएंगे। वारदात का कारण क्या रहा इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? उस दिन टोटल 4 आरोपी मौके के ऊपर प्रेजेंट थे जो अभी तक की हमारी जानकारी है, और उसमें इनका पहले से ही जो काला राणा है उसका कुछ 2013-14 का पुराने मैटर के अंदर जिसमें उसकी सज़ा हुई थी, मोहित राणा ने की गवाही के ऊपर और कुछ पैसे के लेन देन के ऊपर इनका डिस्प्यूट था जिसके कारण इन्होंने ये इसका नरेश सेठी के थ्रू इसका मर्डर करवाने के लिए इन्होंने इसको बोला था। और ये जो यही सेम गैंग है, इन्होंने पहले एक रोहतक के अंदर भी मर्डर किया, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में भी मर्डर किया और यहाँ पे भी अंबाला के अंदर डबल मर्डर किया है। सर, ये सेम डे किए थे इन्होंने दोनों वारदात? नहीं, इन्होंने तीनों वारदातें अलग अलग दिन की।